बेंगलुरु में जो आइकॉनिक ओपेरा हाउस है, एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है, उसे सैमसंग मोबाइल्स ने रीडेवलप किया हुआ है और उसे बना दिया है सैमसंग ओपेरा हाउस, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर है। चलिए देखते हैं कि इस सैमसंग ओपेरा हाउस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसलिए देखते रहिए। सैमसंग ओपेरा हाउस बाहर से भी उतना ही आकर्षक है जितना कि अंदर से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। वैसे तो आपने बहुत सारे मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर्स देखे होंगे, लेकिन ये वाला जो है ये दूसरों से काफ़ी अलग है। ये जो सेक्शन है खास ऑडियो का सेक्शन है, जहाँ पर आपको सैमसंग के और दूसरे जाने माने ब्रांड्स के ऑडियो डिवाइसेस, मतलब कि स्पीकर्स या हेडफोन्स या ईयरफोन्स देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, आप इन स्पीकर्स का डेमो भी ले सकते हैं और अपना जो मनपसंद गाना है इन स्पीकर पर सुन भी सकते हैं। सैमसंग के जितने भी डिवाइसेस हैं, मोबाइल फोन्स हो या वेरिएबल डिवाइसेस हो, सारे के सारे जितने भी अब तक लॉन्च हो चुके हैं वो सारे के सारे आपको इन स्टोर्स पर मिल जाएंगे और आप इनका एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मोबाइल फोन्स रखा हुआ है और जैसे ही आप इस टेबल के नज़दीक आ जाते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो आपको डिटेक्ट कर लेता है और जो मोबाइल का स्पेसिफिकेशंस है टेबल पर जो स्क्रीन है उस पर दिख जाता है, तो आप सैमसंग के किसी भी स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस यहाँ पर कर पाएंगे। मोबाइल फोन्स है, वेरिएबल डिवाइसेस है, टैबलेट्स भी है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है खास करके मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और वेरिएबल डिवाइसेस का, ये तो आपको दूसरे स्टोर्स में भी मिल जाते हैं तो ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दूसरे स्टोर्स में नहीं मिलते हैं। जैसा कि ये खास इंटरैक्टिव जोन बनाया हुआ है फिटनेस एक्टिविटीज़ के लिए। देख सकते हैं कि ये जो बंदा है रोइंग कर रहा है और सामने एक स्क्रीन है जहाँ पर वर्चुअल रोइंग दिख रहा है, तो यहाँ पर आकर लोग इस प्रकार के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग जोन है जहाँ पर सैमसंग गियर फिट जो वेरिएबल डिवाइस है उसका उपयोग किया गया है, जो आपके स्मार्टफोन के साथ में कनेक्टेड है और एक स्पेशल साइकिल है और ये एक ही जगह पर फिक्स्ड है, लेकिन सामने एक बड़ा सा स्क्रीन है। ये देखिए, एक ही जगह पर साइकिलिंग हो रही है लेकिन सामने जो स्क्रीन है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वर्चुअल वर्ल्ड में ये जो बंदा है एक्चुअल साइकिलिंग कर रहा है। तो ऐसे इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी का आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर पाएंगे। वर्चुअल रियलिटी भी है, यहाँ पर दो सेक्शंस हैं। ये वाला सेक्शन जो है इसमें आप जो सैमसंग का मोबाइल है उसे सैमसंग के वीआर में डाला हुआ है और इस प्रकार से ये जो मशीन है इसके साथ में आप एक्चुअल वीआर एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ये जो मशीन है स्मार्टफोन के साथ में सिंक हो गया है और ये जो चेयर है बहुत ही अजीब और गरीब ढंग से घूमता है। अगर आप एक गेमिंग यूज़र हैं तो आपको ये सेक्शन बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर आप अपने मनपसंद गेम्स को खेल सकते हैं, वो भी इतने बड़े कर्व्ड स्क्रीन पर, और ये खास सैमसंग का स्क्रीन है जैसा कि आप देख सकते हैं। सैमसंग ओपेरा हाउस काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर दो सेक्शंस हैं, एक तो है ग्राउंड फ्लोर और दूसरा है फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टफ्स है देखने को मिलेंगे और एक्सपीरियंस करने को भी मिलेगा। ये जो सेक्शन है खास केसेस का सेक्शन है, तो जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं सैमसंग मोबाइल्स की तरफ से, यहाँ पर आपको उन सारे स्मार्टफोन्स का जो केसेस है अलग अलग कलर्स में, अलग अलग स्टाइल्स में, वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। आप उनको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, आपके जो स्मार्टफोन है उस पर लगा भी सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है, और अगर आप चाहें तो एक कस्टमाइज्ड केस भी बना सकते हैं। छोटा सा कैफ़े एरिया भी है जहां पर आप चाय, कॉफ़ी और लाइट स्नैक्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर आप बेंगलुरु में हैं, आपके पास सैमसंग का स्मार्टफोन है और केस खरीदने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पर सैमसंग ओपेरा हाउस में ज़रूर चक्कर लगा दीजिए। यहाँ पर वायरलेस चार्जर्स भी है और इसके अलावा आपको जो होम अप्लायंसेस है उनको एक्सपीरियंस करने का मौका भी मिल जाएगा। ये फर्स्ट फ्लोर पे है जहाँ पर सैमसंग का माइक्रोवेव है और एक शेफ़ भी है जो आपको बताएगा कि ये जो सैमसंग का माइक्रोवेव है कौन से प्रकार के डिशेस बना सकता है और आप ये जो डिशेस है किस प्रकार से बना सकते हैं, ये भी आपको बता देगा। यहाँ पर आपको सैमसंग का ये खास एडवांस्ड किस्म का जो फ्रिज है जिस पर एक बड़ा सा डिस्प्ले है वो भी देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर सैमसंग का सर्विस सेंटर भी है, अगर आपके स्मार्टफोन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। और ये डिवाइस है, स्पेशल डिवाइस है, मान लीजिए आपके स्मार्टफोन के रिपेयर के लिए कुछ समय लगने वाला है तो ये डिवाइस आपको मिल जाएगा। ये डिवाइस अपने पॉकेट में डाल दीजिए और ये जो सैमसंग ओपेरा हाउस है यहाँ पर आप घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और जो एक्सपीरियंस है वो ले सकते हैं। जैसे ही आपका जो स्मार्टफोन है वो रिपेयर हो जाएगा तो ये जो डिवाइस है इस पर आपको एक मैसेज मिल जाएगा। इसके अलावा आप दूसरे डिवाइसेस के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं जो खास कंज्यूमर्स के लिए तो नहीं बनाया हुआ है लेकिन इंडस्ट्रीज के लिए बनाया हुआ है।
ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, खास करके एजुकेशन सेक्टर में काम आ सकता है। बोर्ड है जिस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिजिटल बोर्ड है कह सकते हैं, ये देखिए, और इस पर जो भी लिखा हुआ है आप इरेज कर सकते हैं। इस प्रकार से इसे आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप स्टाइल में रख सकते हैं। जब होम अप्लायंसेस की बात आती है तो काफ़ी लोग होम थिएटर खरीदने का सोचते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए यहाँ पर एक स्पेशल रूम बनाया हुआ है जहाँ पर आपको एक होम थिएटर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो यहाँ पर टीवी है और अलग अलग मॉडल के होम थिएटर्स रखे हुए हैं, तो यहाँ पर बैठकर यूज़र जो है एक्सपीरियंस कर पाएगा कि उसके घर में जो साउंड सिस्टम है किस प्रकार का साउंड इफेक्ट्स दे सकता है। देख सकते हैं कि घर जैसा माहौल बनाया हुआ है, और सामने सैमसंग का जो नया टीवी है जो वॉलपेपर डिस्प्ले करता है बाय डिफॉल्ट ऑलवेज ऑन, वो भी रखा हुआ है, और ये है UHD टीवी सैमसंग की तरफ से। एक और टीवी है सैमसंग कर्व टीवी, इसका भी आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर पाएंगे। होम अप्लायंसेस के जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको फर्स्ट फ्लोर पर मिल जाएगी। यहाँ पर फ्रिज भी रखा हुआ है, सैमसंग के जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ये देखिए, ये है इसका लेटेस्ट फ्रिज, और ये खास किस्म का सैमसंग वॉशिंग मशीन है जो फ्रंट लोड और टॉप लोड दोनों सपोर्ट करता है। ये टॉप लोड और नीचे फ्रंट लोड, ये देखिए। ये फ्रिज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फ्यूचरिस्टिक है, बड़ा सा डिस्प्ले है और इसके अंदर कैमराज भी है। ये एक स्मार्ट फ्रिज है और बिक्स भी सपोर्ट करता है। अगर आप ये स्क्रीन देखें फ्रिज के ऊपर तो मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन की तरह ही दिखता है। ये बिक्स भी सपोर्ट करता है, आप कमेंट्स बोल सकते हैं। अब कमेंट दिया है कि फ्रिज के अंदर क्या है, इसे फ्रिज को बंद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कैमराज हैं। ये देखिए, बंद करते ही आप देख सकते हैं कि फ्रिज के अंदर क्या है स्क्रीन के ऊपर बिना फ्रिज खोले। सैमसंग ओपेरा हाउस का जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर से जो नज़ारा है वो इस प्रकार का है, ये देखिए। तो अगर आप बेंगलुरु में रह रहे हैं तो ये जगह आपको खास करके पसंद आने वाला है, खास करके जो टेक लवर्स है उनको। ये लोकेशन काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पर जितने भी सैमसंग के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं एक्सपीरियंस के लिए ये भी काफ़ी बढ़िया है। अगर आप बेंगलुरु से हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बेंगलुरु से नहीं हैं और कभी कभार मौका मिल जाता है बेंगलुरु विजिट करने का, तो ये जो जगह है सैमसंग ओपेरा हाउस, यहाँ पर ज़रूर जाइए। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस सेंटर आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए और देखते रहिए।